7 अगस्त तक मनाए जाने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह को लेकर राजधानी भोपाल के यूनिसेफ मुख्यालय में मीडिया संवाद का आयोजन किया गया। इस संवाद में मीडिया के अलावा समाज के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले प्रबुद्ध जन शामिल हुए। सोशल मीडिया से जुड़े हुए इन्फ्लुएंसर को खास तौर पर इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। दरअसल इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में स्तनपान को लेकर जागरूकता फैलाना है, ताकि जन्म के एक घंटे के अंदर ही हर बच्चे को 6 महीने तक माता का दूध आसानी से उपलब्ध हो सके और वो सक्षम और सशक्त बन सके। कार्यक्रम में राज्य के परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के अलावा भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा और विभिन्न एनजीओ से जुड़ी हुई महिलाएं भी शामिल रहीं। यूनिसेफ का ये अभिनव प्रयोग है, 1 से लेकर 7 अगस्त तक पूरे विश्व के अंदर मात्र स्तनपान का जो जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर भी स्वास्थ्य विभाग इसमें सहयोग प्रदान करेगा। निश्चित रूप से माँ का दूध शिशु के जन्म लेते से ही 1 घंटे के अंदर माँ का जो स्तनपान यदि शिशु करता है तो उसको जीवन पर्यंत ये उसको लाभदायक रहता। पहला टीका माँ के स्तनपान के रूप में शिशु को मिलता है। मैं समझता हूँ ये जो जागृति होगी इससे समाज को बहुत लाभ होगा। 6 महीने तक शिशु केवल माँ का दूध पिए, स्तनपान के माध्यम से अपना जीवन यापन करे। उसको मैंने तो अभी यहाँ तक सुना डॉक्टर के मुखारविंद से कि उसको पानी भी नहीं देना है, 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही देना है। जो माँ के दूध के कारण उसके शरीर की जितनी भी आवश्यकता है शिशु की, वो माँ के शरीर के माध्यम से उस शिशु को प्राप्त हो जाती है। शुरू से ही भारतीय संस्कृति में, परंपरा में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि 6 माह तक जो बच्चा है, नवजात शिशु, उसको पानी, स्टेज फॉर्मूला, दूध, ये सब कुछ छोड़कर केवल माँ का दूध पिलाया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक जिस ट्रेडिशनल उससे हम हट रहे थे उस पर वापस लाने के लिए, समाज में जागरूकता के लिए यूनिसेफ के माध्यम से एक जागरूकता अभियान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाकर रखा गया, एक अच्छा इनिशिएटिव है। और जब जन जन तक ये बात पहुँचेगी, ख़ास तौर पर जहाँ पर नवजात शिशु हुए हैं उनके परिवारों तक, तो एक अवेयरनेस का कार्यक्रम होगा, वापस हम ट्रेडिशनल फॉर्म पर जाएंगे। और कहीं पर जो स्टेज फॉर्मूला के चक्कर में, भ्रांतियों में जो परिवार फंस गए हैं उससे बाहर निकलेंगे। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख अगस्त के बीच में ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। इसमें आप सभी से निवेदन है, इसमें 3 मैसेज हमें याद रखना होगा। सबसे पहला मैसेज है, जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना है, 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान कराना है, पानी तक नहीं देना है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसे हमें 2 साल तक कंटिन्यू करना है और 6 महीने के बाद उनको पूरक आहार को में जोड़ना होगा। आप सभी का इसमें सहयोग का ज़रूरी है, ताकि हम स्वस्थ और मजबूत समाज को हम लोग निर्माण कर सकें।